अब यता भाउजारो चटकै चटकै रहेछौ पापी मन मारेऊ पटकै नमस्कार, मैं रजनीश हूँ और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू का काली माटी सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी है कुछ उसी तरह से है, यहीं से पूरे काठमांडू में सब्जियां जाती हैं। और इस सब्जी मंडी में हम लोगों से बातचीत करते हैं कि नेपाल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई का सामना लोग कैसे कर रहे हैं। मुश्किल होता है पहले से ज़्यादा, सब चीज़ महंगा है। चावल हम कितना का खाता है, 140 130 केजी का, जो पहले सस्ता था। सस्ता था 90 रुपये केजी था, चुनाव से पहला 90 रुपये केजी था, चुनाव के बाद 140 रुपये। हाँ, ज़्यादा महंगा हो गया। इसमें कोई सब्जी इंडिया से नहीं है? इंडिया से थोड़ा बहुत है, इंडिया से इंडिया सामान अभी महंगा है, करेला महंगा है, परवल भी महंगा है, सब चीज़ महंगा है। सब्जी बेच के कितना रोज कमा लेते हैं? रोज अप्रोक्सीमेटली वही 1000 होगा। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। अब ये भिंडी तो इंडिया से आया, अभी हम तो 180 में बेच रहे हैं। हाँ, नेपाली। ये सारी सब्जियाँ इंडिया से ही है? जैसे ये इंडिया से है, जैसे ये ऑनियन है, नासिक का है, ये चाइनीज है, ये चाइना का है, देखे ये चाइनीज है। हाँ, देखे ना, ये नेपाल में देख सकते हैं कि सब्जियों में भी चीन की मौजूदगी है, भारत की मौजूदगी है और नेपाल की मौजूदगी है। कभी कभी थाईलैंड से भी आता है। ये जो मछलियाँ हैं, सूखी हुई मछलियाँ हैं, कैसे मिल रही है ये वाली बड़ी वाली? किलो को 1000। 1000 का एक किलो। यहाँ पे नेपाल में लोग बता रहे हैं कि पिछले एक साल में महंगाई ज़्यादा बढ़ी, आप भी ऐसा महसूस करते हैं? और उस सामान को तो बड़े है, इसका बड़े है नहीं। मछली की कीमत नहीं बढ़ी वैसे ही? वैसे सेम। लेकिन आपके लिए तो फिर मुश्किल हुई होगी ना? वो सेम प्राइस में आती है, वही इंडिया से आती है, सेम प्राइस में आती है। ये मछली कहाँ, इंडिया से आती है? वहाँ से आप लोग कैसे लाती हैं, या फिर कोई दूसरा? दूसरा लाता है। आप रोज कितना कमा लेती हैं? 500-600। पहले तो 1000-1500 कमाता, अभी तो खाना लाना ठीक ही है, ये तो कोठा भाड़ा तीरो ऐसे ठीक ही है, नाफा कुछ नहीं बच रहा है अभी। बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है अभी तो, घाटा में कंपनी। फिर भी रोज अब कितना कमा पाते हैं नींबू बेच? अभी तो ऐसे 500-700 रुपये ऐसे कम रहता है। ए जैसे ये हो, यहाँ तो अब कहीं घर बार तो भैया महंगो, कहीं सस्तों तो भई नहीं हाल तरकारी, तरकारी धेरे आँच सस्त हो कम आँच महंगो होते। बिजनेस का ऐसा है अभी, जो जैसे भी इंडिया से इंपोर्ट होके आ रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, जो दैनिक गुजारा करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है नेपाल में। नहीं, अभी अभी तो रेट डाउन हो गया है ना, क्यों सीजन है। टमाटर तो 100-150 रुपये पहुँच गया था, है ना। लेकिन मैं कई लोगों से यहाँ बात कर रहा था, प्रोफेसर से जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं KU में, बता रहे थे कि आने वाले टाइम में नेपाल की स्थिति महंगाई में और ज़्यादा बुरी होगी। नहीं, वो तो हर जगह की हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का वो रिपोर्ट भी आने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने वाला है अभी तो, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है कि जो मंदी चल रहा है वो तो बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे इसकी बिहाफ में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं भी, और IMF के रिपोर्ट भी आप देख सकते हो कि इंक्रीज तो हो रहा है इन्फ्लेशन काफी तरीके से। ये एकदम महंगाई बढ़ी है, 400 में किनेको सिलिन्डर अहिले 1800 भइसक्यो नि। पहिले 400 मिल्थे जी? पहिला धेरै पहिला कति भने 20 वर्ष अगाडि 400 में सिलिन्डर पाइन्थ्यो, अहिले 1800 भइसक्यो, महँगो भएन। आप सब्जी बेचकर रोज कितना कमा लेती हैं? रोज को 2-400 से खर्च चल जाता है। हां, हमरे का चलछ, अरुण कमाउँछ नि, छोरी कमाउँछ, छोरा कमाउँछ। काठमांडू के कहीं भी किसी इलाके में जाइए तो ये लगता है कि महिला प्रभुत्व वाला समाज है, विमेन डोमिनेंस वाली सोसाइटी है। यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं आपको सब्जी बेचती मिलेंगी, ये तस्वीर आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती हैं। सब्जी बाजार में भी जाइए तो वहाँ पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है, इस लिहाज से नेपाल बहुत खास है और इस लिहाज से देखें तो बहुत प्रोग्रेसिव भी दिखता है।
पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, नेपाल भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन कई कीमतों को की तुलना करें, जैसे गैस सिलेंडर की तुलना करें तो गैस सिलेंडर की कीमत जितनी भारत में यहाँ भी उतनी ही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत बल्कि यहाँ पर कम मिलेगी आपको। तो इस लिहाज से देखिए, भारत बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी नेपाल से महंगाई के मामले में बहुत पीछे नहीं है, लगभग एक जैसा ही है। यहाँ के अर्थशास्त्री भी चेता रहे हैं कि नेपाल के लिए भी स्थिति को संभालना इतना आसान नहीं है। बहुत कठिन होने वाला है, बहुत थोड़े थोड़े से आदमी के पास में बहुत ज़्यादा। हमारा जीनी कोफिशियंट 49% हो गया है, ये बहुत ऊँचा है। गरीब और धनी के बीच में बहुत ज़्यादा खाड़ल हो गया ये, जैसे भारत में वो 13 आदमी और 70 करोड़ आदमी के बराबर 13 आदमी के हाथ में इनकम गया है, वैसा ही नेपाल कुछ फर्क नहीं। मिडिल क्लासेस, लोअर मिडिल क्लासेस, प्रोलेटारिएट और वर्किंग क्लास के लोगों के लिए बहुत कठिन दिन आ रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगी ज़्यादा बढ़ गई, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है, हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है, हमारा उत्पादन फेल हो गया है, हम लोग बहुत कठिन में, इसीलिए हम रिसेशन में।